कई बार अपने जीवन में हमें ऐसा लगता है कि हम तो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, जी जान लगा देते हैं किसी कार्य को पूर्ण करने में, पर फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, हम उतना ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं जितना कमाना चाहते हैं, और वहीं दूसरी ओर किसी और को देखकर हमें ऐसा लगता है कि वो तो इतनी मेहनत भी नहीं कर रहा और अनायास ही उसको सफलता मिलती चली जा रही है, और वो शायद कुछ गलत रास्ते भी अपना रहा है सफलता को प्राप्त करने के लिए, फिर भी वो पूर्णतया संपन्न है, सब कुछ उसके जीवन में है, वो स्वस्थ है, और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमें फिर भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही। तो मन में ये प्रश्न उठता है कि यदि अच्छे कर्म करने से सफलता मिलती है तो हम अच्छे कर्म तो कर रहे हैं, हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। तब ऐसे में हमें लगने लगता है कि शायद ईश्वर ही हमारा भाग्य निर्धारित करता है, उसी ने हमारा भाग्य ऐसा लिख दिया है, तो अब तो ये हमको भोगना ही पड़ेगा। तो ये दो तरह के दो बिलीफ सिस्टम हैं कि एक तो ये कि ईश्वर ने हमारा भाग्य रचा है, ईश्वर हमारे भाग्य का विधाता है, और दूसरा ये कि हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। और आश्चर्य की बात यह है कि इन दोनों पर ही हम पूर्णतया विश्वास करते हैं। हर धर्म में ये दोनों बातें बताई गई हैं, ये दोनों बिलीफ सिस्टम बताए गए हैं, और हम लोग किसी भी धर्म को मानते हो, हम इन दोनों बिलीफ सिस्टम को जरूर मानते हैं, हमारा दोनों पर ही विश्वास है, जबकि दोनों कितने कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, फिर भी हमारे को हमारे मन में कभी ये प्रश्न ही नहीं उठता कि ये दोनों सही कैसे हो सकते हैं। या तो हम लिख रहे हैं अपना भाग्य अपने कर्मों के द्वारा, या फिर ईश्वर लिख रहा है। तो आपका बिलीफ सिस्टम जो होता है वो एक कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह होता है, जैसा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसी प्रकार का कार्य आप अपने जीवन में कर पाएंगे। तो इस समय आवश्यकता क्या है कि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएं, स्ट्रॉन्ग तो वो होता ही है, उसको चेंज करें, उसको अपग्रेड करें। हम अपने विश्वास, जिन चीजों पर हम विश्वास करते हैं उन पर अंधविश्वास ना करके उन्हें एक्सप्लोर करें, हम जानने की कोशिश करें कि क्या सत्य है। बहुत सारा यूजलेस डेटा हमारी हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है, हमारी मेमोरी में बहुत सारी ऐसी बातें स्टोर्ड हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। जब ईश्वर को ही करना है तो हमारी मेहनत करने से क्या होगा, और अगर हमें करना है तो हम ईश्वर को, उस परम सत्ता को नकारने लगते हैं। तो ऐसा करने में, दोनों प्रकार से जाने में हमारे को कठिनाई होती है, और हमारा जो भी बिलीफ सिस्टम होता है उसी के अनुसार हमारे विचार बनते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस बनता है, उसी से वैसा ही हम महसूस करते हैं, हमारी फीलिंग डेवलप होती है, और हमारी फीलिंग जो है वो हमारे एटीट्यूड्स को बनाती है, और हमारे एटीट्यूड्स के अनुसार ही हम अपने एक्शंस लेते हैं। जो भी कुछ हम जीवन में करते हैं वो अपने एटीट्यूड के अनुसार ही करते हैं, और जैसे हम एक्शंस लेते हैं उससे हमारी आदत पड़ जाती है, वैसा ही करने की हैबिट्स फॉर्म होती है, और इन सब चीजों को मिलाकर फिर हमारी एक पर्सनैलिटी बनती है, और जो हमारी पर्सनैलिटी बनती है उससे फिर हमारा भाग्य निर्धारित होता है, फिर वो एक हमारी डेस्टिनी क्रिएट होती है। तो अगर अपने जीवन में कोई गलत बिलीफ सिस्टम हमने अपना लिया है तो उसका सीधा प्रभाव हमारे भाग्य पर पड़ेगा। जैसे कि हम बहुत बार सोचते हैं कि जिनके पास बहुत पैसा होता है वहां पर बीमारी भी आती है, उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, वो लोग सही रास्ते पर नहीं चलते हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं, दैट मींस कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में हम कह रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, एंड दैट वे वी आर क्रिएटिंग आवर डेस्टिनी। हम ईश्वर से, उस परम सत्ता से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें इतना पैसा नहीं चाहिए कि हमारे बच्चे बिगड़ जाएं और हमारा परिवार बीमार होने लगे। तो इसलिए अपनी मान्यताओं को चेक जरूर करें, जो भी आपकी मान्यताएं हैं उनको चेक करें और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाकर उस पे प्रयोग करें।
स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप आंख मूंद कर हर बात को मानते चले जाएं, कि ये जिसने जो बताया आप उसको स्वीकार करते चले जाएं। आप खुद प्रयोग करके देखिए। जैसे कि बहुत जगह हम मानते हैं कि गुस्सा अगर हम नहीं करेंगे तो बच्चे हमारा कहना नहीं मानेंगे, या कोई भी हमारा कहना तभी मानेगा जब हम अपना रौब छांटेंगे, जब हम खूब गुस्सा दिखाएंगे। एक ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। इसको अगर हम चेंज करें कि हम जब अनकंडीशनल लव देंगे तो दूसरा हमारी बात क्यों नहीं मानेगा। हम इस बिलीफ सिस्टम को कि हम गुस्से से अपनी बात करवाएं, इसको चेंज करके देखें कि हम अनकंडीशनल लव से अपनी बात को मनवाएं। अनकंडीशनल लव जब हम किसी को देंगे तो वो जरूर ही रेसिप्रोकेट करेगा, वो जरूर हमारी लविंग एनर्जी को समझेगा। तो इस पर एक्सपेरिमेंट करके देखें। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे प्रयोग हैं जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं और आप अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं। आप स्वयं अपने भाग्य के विधाता।